ए का मान निकालना है यदि इफ का मतलब यदि, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का मान निकाले यदि इतना बराबर है, इक्वल्स मतलब बराबर 10 का, तो ए का मान निकालना है। देखिए आप अगर क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको ने ऐसे घेरना है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये 4x² + 2a, आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन, क्योंकि मैं क्वेश्चन से देख रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन में से जो उतारते हैं ना तो वो गिवन लिखा जाता है। आप मन करे तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐसे करके उतार दिया। अब इक्वल्स टू आप ऐसे है ना, इक्वल्स टू 10 गिवन है ना, इतना इक्वल्स टू 10। तो इस चीज को मैं इक्वल्स टू जो है इसको मैं ऐसे, ये जो है आप देख रहे हो इक्वल्स टू, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि इतना यही हुआ इक्वल्स टू, इक्वल्स हुआ ना यही इक्वल्स टू, ठीक है, ये बराबर, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना इक्वल्स टू 10, क्लियर। एक बार और, गिवन में दिया है या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इतना इक्वल्स टू मैं ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखूंगा क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है, समीकरण, इसलिए। अच्छा, ये तो हो गया। अब ए का मान निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो वो यहां पर दिया है, when का मतलब कब भी, और when का मतलब जब भी, तो इस केस में होगा जब, तो x = 0, तो 4 दे दूंगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, x के जगह पर 0 रख देंगे, ऊपर में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 2a, ए का तो मान निकालना है, उसको तो नहीं कुछ करेंगे, बराबर 10, क्लियर। x का मान जो रहता है, 0 है तो 0 रख दिए, और 5, 6, 7 कुछ भी रहता तो वो यहाँ पे पुट कर देते, यानी कि रख देते हैं। अब 4 हो गया, गुना कहाँ से आया, मैंने बताया था ना, ए भी है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, क्लियर। अच्छा, तो 0 को 2 बार लिखेंगे, 0 को 2 बार, एक बार और ही 2 बार, तो 0 ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो 4 × 0 तो 0, 0 × 4 तो 0, यानी कि कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर रहेगा उसको, यानी कि बांट तो कोई भी नंबर रहेगा इसके जगह पर, दुनिया में तो लाखों करोड़ों अरबों इनफिनाइट नंबर है, तो कोई भी नंबर रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, यानी कि जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 से कौन टकरा गया, 100, तो 0 हो जाएगा, 0 से कौन टकरा गया, 0 हो गया, 0 से जो भी टकराएगा वो 0 हो जाएगा, प्लस 2a - 1 बराबर 10। अच्छा, और किसी भी संख्या को 0 से ऐड करते हैं तो वही का वही होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, तो प्लस, तो 2a को 0 से जोड़ेंगे तो 2a होगा। अच्छा, बराबर 10। अब इसके आगे तो मैं बता रखा हूँ बहुत सारे वीडियोज में, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 2a = 10, माइनस बराबर किधर गया, तो प्लस, अगर यहीं पर अगर मान लीजिए, हाय नहीं एक बात करें, अगर प्लस रहता तो बराबर किधर जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस, ठीक है, ऐसा है नहीं, तो 2a = 10, जिसका मान निकालते हैं ना तो वो बराबर के या तो इधर रखते हैं या तो इधर रखते हैं, तो हमको ए का मान चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ए का मतलब जिसका मान हमको निकालने का रहता है, फाइंड करने का रहता है, तो उसको मैं ज्यादातर इधर रखता हूँ। अब इधर का मतलब क्या, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट साइड, ये दो हैंड हुआ ना, राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट की ओर रखता हूँ, यानी कि बाई ओर। अच्छा, माइनस इधर गया तो प्लस, आप यहाँ पे लिख दो, आपने क्या किया, शिफ्टिंग किया, तो आप लिख दो शिफ्टिंग, शिफ्ट किया ना एक जगह से दूसरे जगह, मैंने क्या किया, शिफ्ट किया, ट्रांसपोजिशन भी लिख सकते हो हिंदी में, पंचांतरण या स्थानांतरण। अच्छा, ये हो गया, ये 2a,
ये तो लाइक वाला है ना, लाइक यानी कि समान चीज है, तो 10 × 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है 5x बराबर मान लीजिए 25 है, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना वाला केस में ऐसे करते हैं तो x का मान निकालते हैं तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, क्लियर। अच्छा अगर वहीं पर अगर ऐसे रहेगा तब नहीं ऊपर नीचे आ जाएगा, तब x का मान निकालेंगे तो 25 प्लस बराबर कितना जाएगा तो माइनस, यही में अगर ऐसा रहता इस टाइप पर ऐसे रहता अब ऐसे निकालता है कमान 11 प्लस इधर प्लस है ना छुपा हुआ प्लस बराबर किधर गया तो माइनस, ठीक है। अगर ऐसे रहता तो फिर ऐसे बनता, ठीक है, तो यानी कि शिफ्टिंग टाइप का बनता, लेकिन ऐसा है नहीं, ये ऐसे है तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो क्या बताया था मैंने, गुना बना रहेगा तब शिफ्टिंग नहीं होगा, तब ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो वही चीज यहीं पर है, यही ना है, यहीं पर मैं उतार देता हूँ, ये कमान जो निकालूंगा ऐसे करूंगा तो 11 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा नीचे, तो आप लिख देना हेंस, वो लिखना पड़ेगा नहीं तो थोड़ा सा मार्क्स हो सकता है कि कर जाए, तो यहाँ पे मेरे पास आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना हेंस देके लिख देना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हेंस द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1/12, अब लिखना 1/2 मतलब सॉरी हेंस द वैल्यू ऑफ ए 11/2 आंसर हो गया, क्लियर। अब देखेंगे कि मेरा सवाल सही है कि गलत है, 11/2 आया, अब मैं देखूंगा कि मेरा सवाल सही है कि गलत है, देखिए ये तराजू है, तराजू के इधर क्या है 10, तो तराजू के इधर भी आना चाहिए 10, तब हम समझेंगे बराबर है। अरे मान लीजिए इधर है 5 किलो, तो इधर भी 5 किलो रहना चाहिए, तभी ना मेरा सामान सही है, यानी कि दुकानदार सही सामान दिया, तो आप जो सवाल सही बनाए हो, ठीक है, सवाल जो आप सही बनाए हो, तो आपको इधर 10 है तो इधर भी आना चाहिए 10, ठीक है। तो वो कैसे आएगा देखिए, 4 × x का मान तो आपके बुक में दिया था 0 स्क्वायर, मतलब x का मान 0 दिया था, ऊपर में 2 है तो 2 दे दिया, 3 रहता तो 3 दे देता, ठीक है, तो फिलहाल में वो तो है नहीं, 2 है तो मैं 2 ही दूंगा। अच्छा 2 × 1 एक का मान तो आपने निकाल लिया 11/2 × 1 = 10, तो 10 इधर है, इसको भी तोड़ के देखिए 10 आएगा, तो मैं उतना प्रोसेस नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अभी बता रखा है ना, तो 4 × 0 फिर 0 तो उतना क्यों मैं बताऊंगा, मैं तो बता रखा हूँ ना, इसको जो मैं प्रोसेस करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, चलिए कट गया, कितना बचा 11 − 1 = 10। अब का भागा गुंजर घटो, यानी कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस का, तो प्लस 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 11 को 0 से जोड़ेंगे तो 11 = 10, इधर भी 10 आया इधर भी 10 हुआ, यानी कि वेरीफाइड हो गया कि मेरा सवाल सही है, हो गया, यानी कि इधर भी आ गया 10 इधर भी 10, तो अपने लोग का जो आंसर आया वो सही है। थैंक यू।